हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग? आज यार हम लोग नई लोकेशन पे जा रहे हैं। कौन सा क्या नाम है जो भी यार मैं सीधे दिखाता हूँ। और आज मेरे साथ है मेरे फ्रेंड सचिन भाई। हाय करो। तो यार इनसे काफ़ी तगड़ा नाता है मेरा म्यूजिक को लेके, तो जो भी स्टोरी है इनकी वाली वो आगे जाके बताऊँगा या आपको पता चल जाएगा। चलते हैं यार सीधा वहीं पर जाकर आपको मिलाता हूँ, ठीक है? इंट्रो में ज़्यादा लंबा बनाने नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि हर बार थोड़ा लंबा हो जाता है। तो सीधे लोकेशन पे चलते हैं और देखते हैं आज के नज़ारे क्या क्या होने वाला है। तो गाइस अभी हम जहाँ जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं वहाँ हम किस मेट्रो से आए हैं और कितना दूर है मेट्रो से वो मैं आपको बताता हूँ अभी, क्योंकि मेरे दोस्त लोगों ने पहले मेरे को कमेंट करके बोला कि भाई तुम जाते हो जगह के बारे में, जगह खुद एक्सप्लोर कर लेते हो, लोगों को नहीं बताते कि ये जगह कैसी है कहाँ है। तो अभी मैं बताता हूँ, ये है जोरबाग मेट्रो के पास थोड़ी दूर पर है। हाँ, तो अभी मैं जाके दिखाता हूँ लोकेशन। अभी हम जैसे ही मेट्रो से निकले तो हमको देखा अभी एक भवन जिस पे लिखा है राजीव गांधी भवन। तो मैं दिखा दूँ यहाँ की लोकेशन। तो ये हम मेट्रो से आए और इधर आओ, ये है राजीव गांधी भवन और इसके अंदर देखो एक छोटा सा हेलीकॉप्टर पड़ा है। पर एक लड़का बहुत ही ज़्यादा मतलब धोखेबाज है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था पहले, आजकल लड़कियों के साथ मज़े ले रहा है और नए नए लोगों के साथ मज़े ले रहा है, जिसका नाम है ये हर्षित। आप लोगों ने देखा होगा बस जो सगल से लगते हैं ना वो होते नहीं है ना, तो अभी ये हमको मिल गया यहाँ पे आते हुए, तो हम सोचा इसको भी ले चलते हैं, तो ले ही चलते हैं। बात कहाँ जाइए? लोधी गार्डन। लोधी गार्डन, तो आप इतना तो समझ गए हो कि लोधी गार्डन के आसपास की लोकेशन पे हम जा रहे हैं। जो है मैं बताऊंगा नहीं, सीधा चल के ही दिखाऊंगा, ठीक है? तो बने रहे यार ब्लॉग में, मज़ा आएगा। और आज मेरे साथ मेरे दोस्त आने वाले तो वो थोड़ा लेट हो गए, तो मैंने सोचा क्यों उनका वेट करूँ, मैं सीधा जाके देखता हूँ, जैसे वो आते हैं तो उनसे मिलवाता हूँ। और अभी चलते हैं सीधा, शायद ये रही हमारी लोकेशन। तो फाइनली हम आ गए अपने लोकेशन पे और लोकेशन का मैं नाम बता दूँ, ये है सफदरजंग का टाउन। सीधा अंदर और देखते क्या होने वाला है। ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड लेंगे, अंदर व्लॉग बनाना अलाउड नहीं बोल रहे, गिटार यही जमा कर दो और अंदर नहीं ले जाने दो, गिटार जमा कर रहे बोलना बाहर। चलो कोई नहीं। कितने रुपये टिकट है? परसे 25। तो अभी हमारे टिकट मतलब हमने ले लिए हैं और अभी चलते हैं सीधा अंदर। और एक कौशल क्या कह रहा है अब बोर्ड? पहले भाई मैं फ्री में आया था, देखो 25 रुपये दे गए, एंट्री लेनी पड़ गई। कोई नहीं है, वो स्कूल की तरफ से आ जाओ, स्कूल के पढ़ने के बच्चे तो बहुत कुछ मिलता देखो। तो अभी सीधा अंदर चलते हैं। वाह, किसने बनवाया था बताओ? गूगल करके आते ना, फोन तो होगा ही घर पे। तो ये रहा सामने सफदरजंग का टॉम, इसके बारे में सारी तुमको डिटेल देता हूँ अभी। तो अभी पीछे से दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम यहाँ से आए थे और अभी इधर चलते हैं। ओ वाह, तो देखो भाई जाने से पहले सोम भाई पानी भरने। सोम भाई देख तो लो, यहाँ फ्री पानी है पर पानी का टेस्ट थोड़ा अलग है, पर पानी है प्यास बुझाने के लिए। दरगाह जैसा कुछ है और उसके बाद ये रहा, अभी चलते हैं। तो ये कुछ यहाँ की डिटेल्स हैं इस पर लिखी हुई। भाई इतनी धूप पड़ेगी यार, हमारी ना फट रही है, मतलब वो फट रही है जो तुम समझ रहे हो वो नहीं फट रही है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है मतलब। और अभी भी मतलब वो वाली गर्मी गई नहीं है जिसमें पसीने छूटते हैं और अंदर से मतलब कुछ होता है। अभी पता कुछ होता है, अभी कोई बोल रहा था कि क्या कहते हैं गर्मी आज उतनी नहीं है ना। थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अब और दोनों से आज थोड़ी कम है क्योंकि थोड़ी हवा हवा चल रही थी और मौसम थोड़ा साफ था, बट अभी जैसे धूप बड़ी धूप निकली तो यार बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ये हैं सीढ़ियाँ और अभी चलते हैं ऊपर। तेरा देख के कितना तगड़ा बनाया ना इसको बनाने वाले ने, देखियो ज़रा। बताओ आर्किटेक्चर जी, कौन सी मिट्टी लगाई गई इसमें? बताओ कितना पुराना होगा? बता कितना पुराना होगा ये? 200 साल बस? नहीं 3000। और तू बता? अभी तो बन ही रही है। काफ़ी ज़्यादा पुराना है, देखो वैसे देखा जाए तो टूट भी रहा है, बट हम ऐसे तोड़ेंगे नहीं, हमारे सिर पे गिर जाएगा। और अभी पीछे का व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ से, ऊपर 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 चढ़ने के बाद यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है। ये देखो देखो यहाँ से मस्ती है ना, मतलब
मतलब अलग ही व्यू है। किसी जमाने किसी को फ्री का ज्ञान दो तो कोई लेना नहीं चाहता, समझ रहे हो, तो सबको फ्री का ज्ञान चाहिए ही नहीं। तो अभी यार गर्मी इतनी हो रही है कि इन लोगों को मैंने फ़ोन दिया था कि तुम लोग जाओ अपने फ़ोटो वोटो शूट कर लो, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इधर उधर जाने की। अभी थोड़ा रिलैक्स करके फिर मैं जाऊंगा उधर अंदर, और अंदर का व्यू दिखाऊंगा आपको। अभी हम लोग आए थे इधर से, और उसके बाद ये पड़ता है जीना, एक ये है और एक है ये, और दो पीछे। हाँ, और दो पीछे हैं। तो कुल मिला के मेरे को तो यही लग रहा है कि यहाँ के चार पाँच गेट हैं और जो कि सेम ही हैं। और इससे पहले हम लोग गए थे वहाँ, क्या बोलते हैं उसको, हुमायूं का टॉम्ब। तो हाँ, तूने ब्लॉग नहीं देखा मेरा, जिसने नहीं देखा वो जाके देखो, मेरा हुमायूं का टॉम्ब इंडियन जैक स्पैरो ब्लॉग वाले चैनल पे है वो, और अभी मैं तुमको दिखाता हूँ वहाँ की लोकेशन, यहाँ की लोकेशन ना सेम है। तो अभी हम बाहर का हमने नज़ारा ले लिया है, और अभी सीधा चलते हैं अंदर। तो ये रहा कुछ इसका एंट्री का, और ये है यहाँ की जिसकी वो समाधि है शायद किसी की, और ये रहा ऊपर का नज़ारा कुछ। और ये वाला वो था जहाँ से हम सामने से आए थे अभी, भैया कुछ काम चल रहा है इसलिए हम इधर से नहीं आए, इधर से आए। और तो बस ये थी कुछ यहाँ की तस्वीरें और कुछ लोकेशन, और अभी उसके बाद सीधा हम जा रहे हैं अभी लोडी गार्डन। और मतलब काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, और मुझे लग रही है मेरे फ्रेंड लोग यहाँ आएंगे तो उन सबको मैं बुलाऊंगा लोधी गार्डन, और वहीं मिलते हैं सीधा। हर्षित कैसे लगा जगह? ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। मतलब हमारे टॉम की तरह है, मतलब तू बनवा सकता है जगह। देख रहे हो ठीक ठाक है भाई, मतलब इतनी अच्छी जगह है, वो कह रहा है मतलब ठीक ठाक है। ये लोग पहले दिखाए तो ये भैया रह गए अंदर, अंदर चल रहे देखने पक्का, यहाँ से सीधे चलेंगे वहाँ, वो क्या बोलते हैं लोधी गार्डन। हाँ, लोधी गार्डन चले पक्का, तो सीधा लोधी गार्डन ही चलते हैं। ठीक है, वहाँ जाके करते हैं कुछ जैमिंग, और कुछ दोस्तों से मीटअप करवाएंगे आपका और हम करेंगे। ठीक है, बाकी चलते हैं सीधा आके। तो फाइनली हम आ गए हैं लोधी गार्डन। हाँ, तो हम आ गए हैं अपनी पुरानी लोकेशन लोधी गार्डन पर। ये रही हमारी लोकेशन, तो अभी मैं दिखाता हूँ जाके कैसी है आज की लोकेशन। हमारी पुरानी लोकेशन लोधी गार्डन, और हम यहाँ पे प्रैंक वीडियोस बनाया करते थे और अभी छोड़ दिए, बट आज जैमिंग करेंगे जब काफ़ी दिनों में हम आए हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी लोकेशन पर। इसकी कोई फ्रेंड आ रखी है 12 बजे से, और 1 बजे हमको मिल गया, तो मैं इसको अपने साथ ले गया था, तो अभी बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, 3 बज चुके हैं। तो कह रहा है मतलब भैया गिटार ले लो और मेरे को जाने दो, तो मैं इसको जाने नहीं दे रहा हूँ, बस थोड़ा आगे बोल रहा हूँ तू आगे चल। मेरी सारी वीडियोस इधर ही शूट होती हैं, मतलब मज़ा तो आता है इधर, पर पहले जैसा क्राउड नहीं आता अब इधर, तो इसलिए हमने आना छोड़ दिया। सारे लोग आजकल सीपी जाते हैं, और इसके बाद हम जाएंगे सीधा सीपी, तो सीपी के ब्लॉग भी दिखाऊंगा मैं आपको, तब तक देखते हैं आगे अभी क्या होता है। तो अभी चलते हैं अंदर, और मैं दिखाता हूँ आपको अंदर के नज़ारे। कुछ मेरे जाने वाले फ्रेंड वहाँ पर कुछ जैमिंग कर रहे हैं, तो अभी उनसे मिलवाता हूँ आपको। गाइस, तो इस कड़कती धूप में मेरी फ्रेंड आ चुकी है मोटी मुस्कान, तो मैंने उसको देख लिया अभी, और वहाँ जो जैमिंग हो रही वहाँ पहुँची है। भैया 2 रुपए खुल लेनी है। हाय मोटू, हमारी इज्जत ही नहीं है मतलब पूरी भी, लड़कियों को ज्यादा इज्जत। अच्छा, और बढ़िया भाई, रीले चलेंगी, रीले अभी, और गाइस फटाफट से यार लाइक सब्सक्राइब कर दो फटाफट, क्यों इतना इंतजार करवा रहे हो, तो इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट डाल रहा है।
ओ स्टैंड विस्टैंड ला के रख दो ना। तो गाइज जैक स्पैरो थोड़ा सा परेशान हो गया है गर्मी से, एंड ये गाना वाना चल रहा है, जैक स्पैरो सोच रहा कहाँ ठुमके लगाऊं। गर्मी के मारे उसकी गीली हो गई है, उसकी गीली तो हो ही गई है, बट अब देखो वो डिस्कशन कर रहा है कि क्या बजाना है क्या करना है। ये भाग गया जैक स्पैरो। हाँ गाइस, आपको मैं मिलवाता हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, मतलब मेरे ताऊ का लड़का, गांव में रहता है, अभी ये दिल्ली में शिफ्ट हो गया है, मतलब जॉब करता है, और ये इसके मित्र गण है, हाय कर दो। तो अभी ये लोग आए थे और हम भी लेट हो गए हैं, तो हम लोग यहाँ से सीधा निकल रहे हैं सीपी, और ये लोग जा रहे हैं घर, तो चलते हैं सीधा सीपी, मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।